नीलू एक बहुत अच्छी डांसर होने के साथ साथ कई तरह के पकवान बनाने में माहिर भी थी। वो और उसका पति दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। पिछले 10 साल से दोनों की शादीशुदा जिंदगी बेहद सुकून और प्यार से चल रही थी। इधर दूसरी तरफ अन्नू एक मिडिल क्लास परिवार से थी। उसने हाल ही में एमए और कंप्यूटर कोर्स किया था और वह किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थी। वह पिछले कई दिनों से वह स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। आनंद की कंपनी 3 शिफ्ट में चलती थी और उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे वाली शिफ्ट में थी। सुबह घर से 7:15 बजे निकलकर दफ्तर पहुंचना आनंद का रोज का नियम था और अब क्योंकि यह उसकी आदत में आ चुका था, इसलिए वह साधारण रफ्तार से कार चलाते हुए अपने ऑफिस की 10 किलोमीटर की दूरी महज 20 मिनट में नाप लेता था। हमेशा की तरह बेख्याली में कार में बजते म्यूजिक का मजा लेते हुए आनंद ऑफिस की तरफ जा रहा था। अन्नू अपनी स्कूटी लेकर सुबह सुबह सड़क पर थी। सुभाष नगर के पास के एक स्कूल के बाहर स्कूल बस खड़ी होने के चलते अन्नू ने थोड़ी तेज रफ्तार में स्कूटी को साइड से निकालना चाहा, पर सामने दूसरी ओर से आनंद की कार आ गई और अन्नू घबराहट में उस कार से भिड़कर बीच सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी। यह देख आनंद के होश फाकता हो गए। उसने कार से उतरकर अन्नू को टटोला, फिर घायल और बेहोश अन्नू को किसी तरह से उठाकर अपनी कार में लिटाया और थोड़ी दूरी पर अनुराग अस्पताल में ले गया। सुबह सुबह इमरजेंसी में अन्नू को भर्ती किया गया। उसके पास किसी तरह का पहचान पत्र नहीं मिलने के चलते आनंद उसके घर वालों को खबर करने में नाकाम था। अस्पताल में जान पहचान होने से उसने अन्नू को अपना निकट संबंधी बताकर भर्ती करा दिया। थोड़ी देर बाद जब अन्नू को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। पास बैठे आनंद को उसने सवालिया निगाह से देखा। आनंद ने उसे बताया कि कैसे वह उसकी कार से टकरा कर बेहोश हो गई थी। बात करने पर पता चला कि अन्नू के घर में और कोई नहीं था। उसके माँ बाप और एकलौते भाई की एक हादसे में 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। शाम तक अन्नू के पास बैठा आनंद कब उसकी सादगी पर मरमिटा, यह दोनों को ही नहीं पता चला। आनंद ने अपने शादीशुदा होने की बात अन्नू से छिपा ली थी। शाम को 5 बजे के आसपास नीलू का फोन आया तो आनंद को होश आया कि उसका खुद का घर पर इंतजार हो रहा है। उसने नीलू से झूठा बहाना बना दिया कि ऑफिस के किसी जरूरी काम के लिए उसे 2 दिन के लिए गाजियाबाद जाना पड़ गया है और वह रास्ते में है। शाम तक अन्नू को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर की सलाह पर और 2 दिन तक भर्ती रहने के लिए कहा गया। रात को अन्नू के साथ प्राइवेट रूम में रुकने पर थोड़ा असहज महसूस करते हुए आनंद को अन्नू ने देखा तो वह बोली, देखिए आनंद जी, आपने मेरे लिए इतना किया तो आप मेरे साथ रात को रूम में रुकने में शर्मा क्यों रहे हैं, बल्कि घबराना तो मुझे चाहिए। आनंद ने रात भर अन्नू का ध्यान रखा और अगले दिन शाम को अन्नू को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर आनंद अन्नू को उसके घर छोड़ने गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने घर के लिए निकालना चाहा तो अन्नू ने बेहद प्यार से उसे रोका और कहा, मेरे लिए इतना कुछ किया है तो 2 से 4 दिन मेरे घर पर रहकर मुझे संभाल लो। आनंद भी अन्नू के मोहपाश में बंधा जा रहा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी का ख्याल भी आ रहा था। खैर, आज की रात तो उसने वहाँ रुकना मंजूर कर ही लिया। अन्नू रात के खाने के बाद नहाकर गाउन पहनकर अपने बिस्तर पर लेट गई। रात के 10 बजे अन्नू ने आनंद से घुटने की मालिश करने को कहा। आनंद बाम लेकर मालिश करने लगा। अन्नू ने घुटने से ऊपर भी दर्द की शिकायत की तो आनंद के हाथ उसकी जांघ की मालिश भी करने लगे। अन्नू के मुंह से मीठी आह निकलने लगी। उसने बाएं कंधे पर भी मालिश करने को कहा और गाउन के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। कंधे के साथ ही अन्नू के बड़े उभारों की थोड़ी सी झलक आनंद को दिखने लगी। आनंद के हाथ कंधे के नीचे सरकने लगे। उसने अन्नू से कहा कि अगर वह गाउन के और बटन खोल देगी तो मालिश करने में और आसानी होगी। अब तक अन्नू पूरी तरह आनंद को अपना मान चुकी थी और खुद भी ऐसा ही कुछ चाह रही थी। नीचे के 2 बटन और खोलने के साथ ही उसने अपनी फ्रंट ओपन ब्रा के हुक भी खोल दिए। अन्नू के मादक शरीर की छुअन, उसका ताजा खिला हुआ मदमाता जोबन आनंद को और कुछ न सोचने के लिए काफी था। आनंद जवानी से भरपूर अन्नू के हर नाजुक अंग पर अपनी छाप छोड़ते हुए उसके गुलाबी होठों को चूमता गया। कुछ ही समय में उन दोनों के जिस्म एक हो चुके थे। सुबह होने तक वे दोनों 4 बार यौन सुख का मजा ले चुके थे। आनंद ने महसूस किया कि अन्नू की जवानी नीलू से कई कदम आगे थी। जहां अन्नू को आनंद एक जीवन साथी और सहारे की तरह नजर आ रहा था, वहीं आनंद को ऐसा लग रहा था कि उसे देह सुख पाने का एक नया और तमसिन जरिया मिल गया है। अन्नू का देह सुख पाने की चाह में आनंद ने नीलू को झूठ कह दिया कि ऑफिस के काम के चलते उसे महीने में 15 दिन जयपुर से बाहर रहना पड़ेगा। अब आनंद का आधा समय अन्नू और बाकी समय नीलू के साथ बीतने लगा और एक साथ 2 जिस्मों का सुख उसे अलग ही मजा दे रहा था।
अनु की जवानी ने अभी अंगड़ाई लेनी शुरू की थी। वह आनंद के साथ सारी सारी रात शरीर की गर्मी मिटाने और यौन सुख का मजा लेती थी। ऐसे में आनंद के पास नीलू के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं था। नीलू के शिकायत करने पर आनंद बहाना बना देता कि काम ज्यादा होने के चलते थकान बहुत होने लगी है। 4 से 5 महीने यूं ही बीत गए। इधर अनु बार बार आनंद पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, पर कभी उसे महंगे गिफ्ट देकर तो कभी और थोड़े दिन इंतजार का बहाना बनाकर आनंद उसकी जवानी का भरपूर मजा लेता रहा। पर एक ही शहर में 2 अलग अलग जगह पत्नी सुख कितने दिन चलना था। एक दिन कुछ सामान लेने के लिए अपनी सहेली के साथ घर से निकली नीलू ने आनंद की कार एक घर के बाहर खड़ी देख ली। यह देखकर उसका माथा ठनक गया। आनंद को फोन लगाया तो उसने कहा कि वह गाजियाबाद के रास्ते में कार में ट्रैफिक में फंसा है, बाद में बात करेगा। पड़ोस में तहकीकात करने पर पता लगा कि बगल वाले घर में 4 से 5 महीने पहले प्रेम विवाह करके अनु नामक एक लड़की अपने पति के साथ रह रही है। जल्द ही ये लोग खुद के फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। यह बात अनु ने ही फैलाई थी ताकि आनंद उसके पास बेरोकटोक आ जा सके और किसी को कोई शक न हो। यहाँ तक कि उसने घर में आनंद के साथ जोड़े समेत खिंचवाई गई बहुत सारी तस्वीरें फेरम कराकर दीवार पर टांग रखी थी। एक गहरे सदमे के साथ नीलू अपने घर लौटी। उसने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अगले दिन नीलू ने आनंद के ऑफिस के समय के दौरान अनु से मिलने का फैसला किया। अनु के घर नीलू को आसानी से प्रवेश मिल गया क्योंकि अनु काफी सरल स्वभाव की थी। यह बात और थी कि वह अब आनंद के मोहपाश में पूरी तरह से बंधी हुई थी। घर की दीवारों पर आनंद और अनु की ढेरों तस्वीरें देखकर नीलू को चक्कर से आने लगे। जब उसने तस्वीर में उसके साथ वाले आदमी के बारे में अनु से पूछा तो उसने बताया कि उन दोनों ने कुछ महीने पहले ही मंदिर में प्रेम विवाह किया है और आनंद के घर वालों की रजामंदी मिलते ही वे दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेंगे। नीलू अपने साथ अपनी शादी के बाद का फोटो एल्बम वहां ले गई थी। उसने अनु के सामने वह फोटो एल्बम रख दिया। अब एल्बम खोलते ही चक्कर आने की बारी अनु की थी। धीरे धीरे आनंद के झूठ के सारे पुलिंदे खुलते चले गए। अनु गहरे सदमे में आ चुकी थी। उसने आनंद के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की बात कही। नीलू को पता था कि ऐसा होने पर न केवल आनंद को जेल हो जाएगी बल्कि उसकी नौकरी भी चली जाएगी। खुद की शादीशुदा जिंदगी तो उसकी बिगड़ ही चुकी थी। नीलू यह सब नहीं चाहती थी, पर वह आनंद को कड़ा सबक भी सिखाना चाहती थी। अनु ने स्वीकार किया कि आनंद ने उसके ऊपर अभी तक लाखों रुपए खर्च किए हैं और आनंद को अपने घर में बिना उसके बारे में अता पता किए इतने दिनों से आने जाने की छूट देने की वह खुद जिम्मेदार थी। साथ ही खुद के पड़ोसियों को यह झूठ कहकर कि आनंद से उसकी शादी हो चुकी है गुनाह में वह बराबर की हिस्सेदार थी। आनंद को सबक कैसे सिखाया जाए इस पर अगले दिन साथ बैठकर विचार करने की कहकर नीलू घर चली गई। अनु के भविष्य के सपनों पर जो बिजली गिरी थी उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद अनु किसी को बिना कुछ कहे घर पर ताला लगाकर निकल गई। शाम को आनंद को घर बंद मिला तो उसने अनु को फोन किया लेकिन वह भी स्विच ऑफ था। आखिरकार आनंद ने खुद के घर की ओर रुख किया। नीलू को आनंद की शक्ल से नफरत हो चुकी थी। नीलू का बदला बदला बर्ताव आनंद को समझ नहीं आ रहा था। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अगले दिन अखबार में 25 से 26 साल की एक जवान लड़की की मुकुंदपुरा रेलवे स्टेशन पर रेल से कटकर मौत होने की खबर आई। वह अनु ही थी। आनंद और नीलू का रिश्ता दोबारा कभी नहीं सुधर सका। आनंद की हवस और अनु की नासमझी ने 3 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी थी।